Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share you this most trending and beautiful organza frock. So please keep watching this video till the end. So basically guys, festival month is going on and now it is organza fabric की dresses का बहुत ज़्यादा trend चल रहा है, जिसमें organza fabric के frocks तो सबसे ज़्यादा trend में है. So guys, यहाँ हमने organza fabric से इस beautiful सी dress की designing की है, जिसकी waist में हमने handmade tie waist belt design की है. And इस belt को tie करने के लिए डोरीज में flower tassels की designing की है, which is looking so beautiful. So guys, if you also want to learn this dress designing, so please keep watching this video. Now let's start the video. So firstly, here I am using 5.5 meter organza fabric, which is printed fabric. So guys, यहाँ पर हम 5.5 meter printed organza fabric का use करेंगे as a main fabric. Then as a lining or inner, here I am using 3 meter satin fabric. So guys, this is the German satin. इसकी quality बहुत अच्छी होती है. हम 3 meter German satin fabric का use करेंगे as a lining या फिर inner. So guys, firstly we will cut bodies या top part, जिसके लिए हमने fabric को 4 fold करके रखा है. You can see this is a 4 folded fabric here. So इसकी length 15 inches and 4 fold होने के बाद इसकी width 10 inches है. So guys, firstly हम 7 inches का shoulder mark करेंगे. देन हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 7.5 inches. सो गाइज, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो गाइज, 7.5 inches का आर्म होल मार्क करके हम आर्म होल की शेप दे देंगे. देन फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 inches आर्म होल डीप देते हुए अगेन हम आर्म होल की शेप दे देंगे लाइक दैट. नाउ वी विल मार्क फॉर बस्ट. सो बस्ट के लिए गाइज, हियर आई एम मार्किंग 9 inches, जिसमें हम 1.5 inches की लूजिंग ऐड करेंगे. टोटल 10.5 inches का मार्क करेंगे. सेम वेस्ट के लिए हमने 8 inches का मार्क करना है, जिसमें 1.5 inches की लूजिंग ऐड करनी है. टोटल 9.5 inches की मार्किंग करेंगे. ऊपर की तरफ हमने 1/2 inches का शोल्डर डीप दे देना है लाइक दैट. नाउ गाइज, वी विल कट फॉर बैक पार्ट. सो गाइज, यहाँ हमने फर्स्टली बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेनी है. सो इस तरीके से हमने जो मार्किंग बैक पार्ट के लिए की थी, फर्स्टली हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे. कटिंग करने के बाद गाइज, यहाँ हमें दो पार्ट्स मिल जाएंगे. दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग टू फोल्डेड कर लेंगे. सो दिस इज़ द बैक पार्ट एंड दिस वन इज़ फ्रंट पार्ट. सो गाइज, अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है. मेन फैब्रिक को टू फोल्डेड करते हुए जो हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग की है, उसके नीचे हम इसको रख लेंगे. सो गाइज, रखने के बाद हम आरपिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे. सो गाइज, यहाँ हम अगर आरपिन की हेल्प से दोनों फैब्रिक को एक साथ पिनअप कर देंगे, तो जब हम नीचे वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे, सो वो इजीली कट हो जाएगा. सो गाइज, यहाँ हमने आरपिन की हेल्प से दोनों ही फैब्रिक्स को सिक्योर कर लिया है. आफ्टर दैट हमने मेन फैब्रिक यानी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. सो गाइज, हियर आई एम यूजिंग दिस लाइनिंग फैब्रिक एज ए टेम्पलेट्स. सो गाइज, यहाँ हमने जो लाइनिंग की कटिंग कर रखी है, उसको टेम्पलेट्स की तरह यूज़ करते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. सो गाइज, दिस वन इज़ द मोस्ट इजिएस्ट एंड सिंपल वे टू डिज़ाइन दिस ड्रेस. यू कैन ऑल्सो यूज अनदर मैथड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. नाउ वी विल मार्क फॉर नेक विथ. सो नेक विथ के लिए हमने 3 inches का मार्क किया है. देन फ्रंट पार्ट के नेक डिप के लिए हम 5.5 inches का मार्क करेंगे. सो गाइज, फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग हम बॉक्स की तरह करेंगे. सो इस तरीके से हमने बॉक्स बना लेना है. सो बेसिकली गाइज, यहाँ हम फ्रंट पार्ट के लिए स्क्वायर नेक कट करेंगे एंड बैक पार्ट के लिए राउंड नेक कट करेंगे. इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस. आप चाहो तो दोनों ही फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में स्क्वायर नेक भी कट कर सकते हो. फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद हम लाइनिंग फैब्रिक की राइट साइड से ऑर्गेन्जा फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे. दोनों पार्ट्स को नेक से वन टाइम स्टिच कर देंगे. सो गाइज, आफ्टर दैट वी विल कट बैक पार्ट. सो बैक पार्ट के लिए नेक विथ 3.5 inches की मार्क करेंगे एंड नेक डीप के लिए यहाँ पर हम 6.5 inches की मार्क करेंगे. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हो. आप चाहो तो 7 inches भी रख सकते हो, बट 6.5 inches इज इनफ. सो गाइज, यहाँ हमने बैक नेक के लिए राउंड नेक की मार्किंग की है एंड इसको कट कर दिया है. नाउ वी विल डू सेम SMS फ्रंट वन. सो गाइज, यहाँ दोनों ही फैब्रिक्स की राइट साइड को मैच करते हुए दोनों पार्ट्स को रख लेना है. देन नेक्स्ट वन टाइम स्टिच कर देना.
सो गाइज यहाँ हमने बैग के दोनों ही पार्ट्स को नेक से वन टाइम स्टिच कर दिया है। आफ्टर दैट हम नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सो कट्स लगाने से नेक में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। सो गाइज यहाँ कट्स लगाने के बाद हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद ऑर्गेन्जा फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। सो गाइज अब हमने अगेन नेक पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज बैक नेक जैसे हमने कंप्लीट किया है वैसे फ्रंट नेक को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमने फ्रंट नेक पर ऑलरेडी वन स्टिचिंग लगा दी है। अब हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद अगेन हम इस पर भी एक और स्टिचिंग लगाएंगे। सो गाइज यहाँ हम नेक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें ट्राइंगल शेप की एक लेस यूज़ करेंगे। इस लेस को हम नीचे की तरफ से यूज़ करेंगे, जस्ट ट्राइंगल को बाहर निकालते हुए इस लेस को स्टिच करेंगे। सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट यू कैन अटैच एनी लेस, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस स्टेप। सो गाइज आप चाहो तो लेस को अटैच भी कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, बट यहाँ मैंने इस लेस को अटैच कर लिया था। सो गाइज यहाँ हमने वन टाइम स्टिचिंग देने के बाद इस पर अगेन एक और टाइम स्टिचिंग देंगे जिससे कि नेक में और भी अच्छी फिनिशिंग आ सके। सो गाइज हियर यू कैन सी दिस इज़ अ फिनिशिंग, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। सो गाइज फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। सो गाइज इस ड्रेस को परफेक्टली फिट बनाने के लिए हम फ्रंट पार्ट के बॉटम में दो छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। सो मिड पॉइंट को मार्क करते हुए मिड पॉइंट से 3 inches के डिस्टेंस पर एक और मार्किंग कर लेनी है जिसकी लेंथ ऊपर की तरफ से 4 inches रहेगी। सो गाइज यहाँ हमने इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स की शेप ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने वन साइड वन प्लेट ड्रॉ की है, वैसे ही सेम हम सेकेंड साइड इसी प्लेट को ट्रेस कर लेंगे। हल्का सा टैप टैप करते हुए इस प्लेट को ट्रेस कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने इसको ट्रेस कर लिया है। अब गाइज हमने फ्रंट पार्ट में बॉटम की तरफ इन दोनों ही प्लेट्स को स्टिच कर लेना है। सो बेसिकली गाइज क्या होता है जब इस तरीके से हम प्लेट्स डाल लेते हैं तो उससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। सो गाइज यू कैन सी हमने इसको स्टिच कर लिया है एंड स्टिच करने के बाद हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। यू कैन सी बैक पार्ट के बैक में भी नेक में भी हमने इस लेस को स्टिच किया है। अब दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड मैच करते हुए फर्स्टली हम शोल्डर से स्टिच करेंगे, आफ्टर दैट अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ब्लाउज की दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमारा ब्लाउज यानी कि टॉप पार्ट रेडी हो गया है। Now let me turn it into right side and guys you can see the finishing, इसकी finishing बहुत अच्छी आई है। Now let's design the sleeves. So sleeves की design करने के लिए firstly हम sleeve length 26 inches लेंगे एंड स्लीव फैब्रिक को फोफोल करने के बाद स्लीव विद 9 inches है। सो गाइज फर्स्टली हम ऊपर की तरफ से 2.5 inches का आर्म होल डीप मार्क करेंगे, देन हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज बेसिकली स्लीव की कटिंग हमने नॉर्मल स्लीव की तरह ही करनी है, जो इसकी लेंथ हमने थोड़ा ज़्यादा ले ली है। बेसिकली स्लीव लेंथ हमने 26 inches मार्क की है। सो गाइज हमने यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कर दी है, अब इसको एज इट इज कट कर लेंगे। सो गाइस स्लीव्स को कट करने के बाद यहाँ हमें 2 sleeves मिल जाएंगी। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए गाइस स्लीव्स के बॉटम या रिस्ट में हम वही सेम ट्रायंगल वाली लेस यूज़ करेंगे जो टॉप पार्ट के नेक में यूज़ की थी। सो गाइस यू कैन सी हमने यहाँ पर स्लीव को सर से स्टिच करते हुए बॉटम में ट्रायंगल वाली लेस को अटैच कर दिया है। दोनों ही स्लीव्स हमारे रेडी हो गए हैं। नाउ वी विल अटैच द स्लीव्स विद द टॉप या बॉडीज। सो गाइस अब हमने टॉप या बॉडीज के साथ आर्म होल के साथ दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है एंड टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। सो हियर टॉप पार्ट इज़ रेडी, नाउ वी विल कट द बॉटम पार्ट। सो गाइस बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने 4.5 meter फैब्रिक को लेंथ वाइज फोर फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द फोर फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइस फोर फोल्ड करने के बाद फैब्रिक लेंथ यहाँ 45 inches है एंड विथ इसकी 41 inches है। सो गाइस यू कैन सी इजीली इस तरीके से जब हम इसकी विथ मेज़र करेंगे सो इसकी विथ 41 inches आई है। एंड गाइज अब हमने इसकी वेस्ट राउंड मार्क कर लेनी है। सो बेसिकली गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू द वन थिंग हियर, इफ़ यू आर वेस्ट राउंड इज 28 to 32 inches, अगर आपका वेस्ट राउंड फिटिंग 28 to 32 inches है सो आप 4.55 inches का वेस्ट राउंड मार्क कर सकते हो। सो गाइज यहाँ हमने 4.55 inches का वेस्ट राउंड मार्क कर लिया है। एंड गाइज जो हम मार्क करने के बाद इसको कट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वेस्ट राउंड थोड़ा और लूज हो जाता है, जिसको आप एक दो प्लेट्स डालकर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ हमने वेस्ट की कटिंग कर दी, आफ्टर दैट हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। सो गाइज यहाँ हम लेंथ के लिए 38 inches की मार्किंग कर रहे हैं। बेसिकली जो फैब्रिक विड्थ है उसी के अकॉर्डिंगली ही इसकी फैब्रिक लेंथ आई है। सॉरी
बॉटम लेंथ आई है विच इज़ 38 इंचेस। सो गाइज इस तरीके से हमने राउंड शेप में 38 इंचेस का मार्क करते हुए इसकी राउंड मार्किंग कर ली है। अब गाइज इसको हमने सिंपली कट कर लेना है एंड कटिंग करने के बाद गाइज यहाँ हमें फैब्रिक के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे एंड अब इन दोनों ही पार्ट्स को हमें साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली है एंड कटिंग करने के बाद जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया है हमें इस फैब्रिक के 2 सर्कल मिल गए हैं, यानी कि हमें यहाँ स्कर्ट के 2 पार्ट्स मिल गए हैं। अब दोनों ही पार्ट्स को साइड से 1-1 टाइम स्टिच कर देंगे। सो लाइक दैट स्कर्ट के दोनों ही पार्ट्स को साइड से स्टिच कर लेना है एंड साथ में ही हमने नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए इसको पीको या स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली गाइज हियर यू कैन सी हमने स्कर्ट के दोनों पार्ट्स को साइड से स्टिच कर दिया है एंड साथ में ही स्कर्ट को नीचे की तरफ से पीको कर दिया है। सो गाइज दिस इज आर मेन फैब्रिक, बॉटम पार्ट इज रेडी, नाउ वी विल कट द लाइनिंग पार्ट। सो गाइज लाइनिंग पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने 3 मीटर फैब्रिक को लेंथ वाइज 2 फोल्डेड करते हुए रख लिया है एंड वेस्ट राउंड के लिए यहाँ हमने 10.55 इंचेस की लेंथ लेते हुए वेस्ट राउंड मार्क कर लिया है, यू कैन सी। सो बेसिकली गाइज यहाँ हमने 10.55 इंचेस इसलिए मार्क किया है बिकॉज ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्डेड है। सो 2 फोल्डेड फैब्रिक में वेस्ट राउंड लेंथ ज़्यादा लेते हैं। आफ्टर दैट गाइज हमने 36.6 इंचेस की लेंथ पर इस लाइनिंग स्कर्ट को मार्क कर लिया है, यू कैन सी। सो गाइज मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ पर स्कर्ट का ओनली 1 पार्ट ही मिलता है जिसको हम ओनली 1 साइड से स्टिच करके इसको स्कर्ट बना लेते हैं। सो गाइज यहाँ हमने जो मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर लेंगे एंड बिकॉज ये हमारा 2 फोल्डेड फैब्रिक था इसलिए कटिंग करने के बाद हमें यहाँ 1 पार्ट ही मिलेगा। सो गाइज यहाँ स्कर्ट की लेंथ कम रह गई थी जिसके लिए हमने साइड से बचा हुआ फैब्रिक नीचे लेंथ में अटैच कर दिया है। सो गाइज इस तरीके से हमने लेंथ में अटैच करते हुए मार्क करके इसको सर्कुलरली कट कर लिया है। अब हमने इसको साइड से स्टिच कर लिया है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो साइड से स्टिच करने के बाद जो हमारी 1 ओपन वाली साइड है उसको भी स्टिच कर लेंगे एंड नीचे की तरफ से हम 2 टाइम फोल्ड करते हुए इसको ऑल अराउंड स्टिच कर लेंगे। सो हियर गाइज यू कैन ईजीली सी हमने लाइनिंग स्कर्ट को साइड से स्टिच कर लिया है एंड नीचे की तरफ लेंथ में जो जॉइंट अटैच किया था उसको भी स्टिच करके हमने आयरन कर दिया है। एंड गाइज इस लाइनिंग स्कर्ट को हमने नीचे की तरफ से पीको किया है, आप चाहो तो फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हो। सो फाइनली गाइज यहाँ हमारे दोनों फैब्रिक्स की स्कर्ट पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम ऑर्गेन्जा स्कर्ट के अंदर लाइनिंग फैब्रिक की स्कर्ट को इंसर्ट कर देंगे एंड इंसर्ट करने के बाद दोनों फैब्रिक की स्कर्ट को वेस्ट से 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। देन हमने टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट, आई मीन टॉप एंड स्कर्ट दोनों को वेस्ट से स्टिच कर लेना है। सो गाइज अगर यहाँ बॉटम स्कर्ट की वेस्ट राउंड टॉप पार्ट से ज़्यादा है तो आप बॉटम स्कर्ट में 1-2 प्लेट्स डालकर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स डिज़ाइन वेस्ट बेल्ट। सो गाइज वेस्ट बेल्ट की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर एक लेस यूज़ कर रही हूँ जिसकी लेंथ 24 इंचेस विद 1.5 इंचेस, जिसके दोनों तरफ से 1/2 इंचेस फैब्रिक निकला हुआ है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। सेम लेंथ की हम फैब्रिक स्ट्रिप ले लेंगे एंड फैब्रिक स्ट्रिप की विद अबाउट 2 इंचेस है। अब हमने फैब्रिक एंड लेस दोनों की राइट साइड को मैश करते हुए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए रखेंगे। देन ऊपर की तरफ से हम इनको स्टिच कर देंगे। बेसिकली गाइस यहाँ जो हम लेस यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर रेशम का वर्क दिया हुआ है एंड 1/2 इंचेस का सिंपल फैब्रिक साइड में छोड़ा गया है। सो गाइस इसी फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है एंड जितना एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसको क्लोज कर लेना है। सो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ करते हुए 2 डोरी क्रिएट कर रखी थी ऑलरेडी। अब हम इसको अंदर की तरफ से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से हमने 1 साइड में डोरी को इंसर्ट कर लिया है एंड इंसर्ट करने के बाद हम अगेन दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से हमने बीच तक इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद अगेन हमने 1/2 इंचेस का गैप छोड़ते हुए एक और स्टिचिंग लगा दी है थोड़े से मार्जिन से। देन हमने सेकंड डोरी भी अंदर की तरफ इंसर्ट कर दी है। इंसर्ट करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जब हम डोरी को पुल करेंगे सो हमारी बेल्ट राइट साइड में टर्न हो जाएगी। सो बेसिकली जब हम सिंपल फैब्रिक की डोरी क्रिएट करते हैं उसी पैटर्न का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर बेल्ट को भी क्रिएट कर लेना है।
टेक इट इजी, बहुत ही धीरे धीरे से हमने इसको बाहर की तरफ पुल कर लेना है। सो गाइस जैसे कि हमने हाफ साइड को वन डोरी को पुल करते हुए इस पर्ल को राइट साइड में टर्न किया है, वैसे ही हम सेकंड साइड में भी करेंगे। सो गाइस हियर यू कैन सी दिस इज आवर बेल्ट, सो ये हमारी बेल्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब गाइस हमने इस पर प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है, आप चाहो तो प्रेस भी सेट कर सकते हो। सो गाइस अगर आप किसी ऐसी लेस का यूज़ करते हुए बेल्ट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी वगैरह दी है, तो आप उस केस में प्रेस से ही बेल्ट को सेट कर लें। सो गाइस यहाँ हमने प्रेस स्टिच लगा दी है एंड दूसरी तरफ से जो हमने बेल्ट को टर्न करने वाला पॉइंट छोड़ा था उसको भी अंदर की तरफ, फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए क्लोज कर लेंगे। एंड गाइस यू कैन सी यहाँ हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। एंड नाउ गाइस आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा, बट हम फाइनल स्टेप भी कर ही लेते हैं। सो गाइस डोरी के लिए हम फ्लावर टेजल्स रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को ऑलरेडी सर्कल में कट कर लिया है। सो 8-8 इंचेस के सर्कल यहाँ हमने कट कर लेना है, टोटल 12 सर्कल कट करने हैं। सो गाइस यू कैन सी यहाँ हमने 12 सर्कल कट कर लिए हैं। अब गाइस हम इस पर कोटापट्टी लेस का यूज़ करते हुए इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। बेसिकली ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत अच्छा था, कट करने के बाद इसकी साइड्स नहीं निकली थी, धागे वगैरह कुछ नहीं निकले थे, सो इसलिए हमने सिंपली ही इस कोटापट्टी लेस को सर्कल के ऑल राउंड में स्टिच कर लेंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ हमने ऑल 12 सर्कल्स पर कोटापट्टी लेस को स्टिच कर दिया है। अब गाइस हमने सर्कल को मिड से इस तरीके से फोर फोल्ड कर लेना है। फोर फोल्ड करने के बाद नीडल की हेल्प से हम मिड में एक टक लगा देंगे। सो गाइस इस तरीके से वन टाइम टक कर देना है। अगेन हमने सेकंड सर्कल लेना है, उसको भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए मिड से एक और टक लगा देना है। सो गाइस दोनों ही इस सर्कल्स को एक साथ टक्स लगाने के बाद हम इसमें पर्ल का यूज़ करेंगे। सो गाइस हियर आई एम यूजिंग गोल्डन पर्ल इन मीडियम साइज। सो गाइस मीडियम साइज़ का हम गोल्डन पर्ल यूज़ करेंगे, जिसको हम डोरी के साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे। सो बेसिकली गाइस यहाँ हमने टू सर्कल्स का यूज़ करते हुए वन फ्लावर को क्रिएट किया है एंड एक डोरी पर हम टोटल 4 फ्लावर अटैच करेंगे, जिससे कि और भी अच्छा वॉल्यूम आए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 या 5 कितने भी फ्लावर्स अटैच कर सकते हो। सो दिस इज़ ओनली वन, हम ऐसे 4 फ्लावर्स और अटैच करेंगे डोरी के वन साइड। सो गाइस यहाँ हमने स्लीव्स को स्टिच करते हुए शोल्डर से डोरीज को भी स्टिच कर दिया है एंड इसके बॉटम में यू कैन सी टेजल्स के हमने 4 फ्लावर स्टिच किए हैं वन डोरी पर। वैसे ही सेम हमने वेस्ट बेल्ट जो रेडी की थी उनके दोनों ही साइड्स में 1-1 फ्लावर अटैच कर दिए हैं। सो गाइस यहाँ हम इस तरीके से इसे पीछे नॉट कर देंगे एंड अपनी वेस्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू माई ऑल डियर ब्रदर्स इन एडवांस। सो गाइज आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई ऑलवेज वेट फॉर योर कॉमेंट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइन, जिसका लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर हम काफ़ी न्यू एंड ट्रेंडिंग ड्रेसेस शेयर करते रहते हैं। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग आवर बॉय चैनल, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग एज यू ऑलवेज डू। एंड गाइस रक्षाबंधन स्पेशल के लिए हम एक और ब्यूटीफुल सी ड्रेस अपने फर्स्ट चैनल पर शेयर करने वाले हैं एंड उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।